दवा बाजार के माध्यम से नशीले इंजेक्शन थोक में हनुमानताल में रहने वाले दो सगे भाइयों के पास पहुंचते थे, जिसके बाद वे फुटकर में नशीले इंजेक्शन और सीरिंज बेचा करते थे। इसकी जानकारी पुलिस को मुखबिर के माध्यम से लग गई। जब दोनों भाई सोमवार को नशीले इंजेक्शन बेचने अपने ठिकाने पहुंचे तो पुलिस ने वहां उन्हें दबिश देकर दोनों को दबोच लिया। दोनों के पास से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ हनुमानताल थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जैसे विगत कई दिनों से नशीले कारोबार के खिलाफ लगातार दबिश दी जा रही है, इसी परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 21 तारीख को पुलिस हनुमानताल थाना द्वारा एक रेड डाली गई, जिसमें इरशाद और शमशाद नामक दो व्यक्ति ये नशीले इंजेक्शंस का व्यापार करते हुए पाए गए। इन दोनों की कस्टडी से 35 नग ब्यूपेमॉर्फिन और 15 नग एविल के शीशियां जब्त हुई हैं। इसके साथ ही 30 नग इनके पास से सिरिंज भी जब्त हुई है। ये विगत कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये क्षेत्र में अवैध रूप से इनको बेच रहे हैं और युवाओं को नशे के दिशा में धकेल रहे हैं। इनको आज गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा इनका एक साथी पप्पू सुअर जो है उसकी तलाश की जा रही है और उसको भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। यह